में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। युवक की हत्या सूचना मिलते ही एसपी सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि हत्या का यह पूरा मामला जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत टोला सोयम गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले 45 वर्ष के मोतीलाल की गांव के सुनसान इलाके में हत्या कर दी गई। मृतक के भाई चिरंजीवी लाल ने पूरे मामले की लिखित तहरीर कोतवाली पुलिस को देते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले 5 दबंग उसके भाई को बहला फुसला कर शराब पीने के लिए ले गए और शराब पीने के दौरान हुए विवाद में भाई की हत्या कर दी। तो वहीं एसपी अपर्णा गुप्ता सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया है। वहीं फॉरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? ये हमारे परिवार के चचेरे भाई की हत्या हो गई है। क्या हुआ, कैसे, क्या घटना? गाँव के 5 दबंग शाम को करीब 9 बजे बेला फुसला कर अपने घर ले गए, वहाँ पे दारू पिलाई, इसके बाद लाठी डंडों से कुचल कुचल के उसकी हत्या कर दी, मार मार के। कैसे जानकारी लगी आप लोगों को? जी, सुबह गांव वालों ने बताया है कि यहाँ पे तुम्हारा भाई पड़ा हुआ है मंदिर के पास, तो वहाँ हम लोग गए तो वो मृत पाए गए। पुलिस को सूचना दी गई, वक्त दबंग व्यक्ति हैं जो दारू का धंधा करते हैं, माफिया है, गाँव में रंगदारी वसूल करते हैं, कई प्रकार से इनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जो आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उल्टे सीधे काम करते, चोरी चकारी का। अच्छा, हत्या करने के पीछे कोई वजह है क्या? गुंडे हैं गांव के, माफिया है, गुंडे हैं, उनका यही धंधा है, यही काम करते हैं, मारपीट करना, लड़ाई दंगा करना। अच्छा, पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई आप लोगों? जी, एसपी महोदया, कोतवाल साहब, सीओ साहब, सबको सूचना दी गई, सभी लोग मौके पे पहुंचे। क्या कोई तहरीर वगैरह आपके द्वारा दी गई है पुलिस को? जी, तहरीर अभी लिखी गई है, तहरीर भिजवा रहे हैं वहाँ पे कोतवाली में। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई तो यहाँ पे अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल में होगा। क्या घटना हुई है? सर, मेरे भाई को ये 5 गांव के दबंग लोग शाम को करीब 9 बजे बहला फुसला कर ले गए। इन्होंने शराब पिलाया, शराब पिला करके लाठी डंडों से मेरे भाई की हत्या कर दी। कैसे जानकारी लगी आपको? सर, सुबह करीब 5 बजे हमको गांव वालों ने, लोग लेटरिंग बाथरूम के लिए जाते हैं, तो उन्हीं लोगों ने बताया, फोन ऑन किया, तो हम लोग आए वहां पे। अरे, जिन लोगों ने हत्या की है कैसे लोग हैं ये? क्या कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? सर, पुरानी रंजिश तो नहीं थी सर, ये गांव के दबंग लोग हैं, दारू भी बेचते हैं, पिलाते हैं लोगों को और मारपीट भी करते हैं, गुंडे हैं। क्या हुआ फिर, पुलिस को सूचना दी गई? जी सर, पुलिस को सूचना दी गई, वहाँ पे एसपी साहब, कोतवाल साहब, सीओ साहब, सभी लोग मौजूद पहुँचे। अभी क्या कार्रवाई हो रही है? जी सर, अभी हमारे द्वारा तहरीर दी जा रही है और आगे क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। देखिए, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना चरखारी महोबा में एक गांव पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया। वहां पे इस तरह से घटनाक्रम सामने आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम मोतीलाल अहिरवार या उनका शव था, 43 वर्षीय थे, और जानकारी करने पे पता चला कि वे रोज ही शाम को अपने गाँव के ही कुछ लोगों के साथ घर से बाहर जाके बैठा करते थे। कल भी शाम को 8 बजे ये घर से बाहर गए थे और फिर इनका आगमन वापस नहीं हुआ था और सुबह इनका शव पाया गया था। जो स्वजनों की तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाइयां प्रचलित हैं और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। कितने लोगों पर आरोप लगाए? उनके कुछ दोस्तों के ऊपर, उन्होंने 3-4 दोस्तों के ऊपर जो है वे बता रहे हैं कि उनके साथ वे जाया कर रहे थे, इस तरह की बातें बता रहे हैं। सोलिस ट्रैक्टर का नया शोरूम अब आपके शहर मऊरानीपुर में, तो आज ही संपर्क करें राजपाल मोटर्स से, जिनका पता है गुरसराय रोड, मऊरानीपुर, झांसी। अभी लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।